गुड मॉर्निंग पायरेट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में। यहाँ पे हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी विदाउट यूजिंग टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ओपन इंटरेस्ट, एडवांस इंडिकेटर्स और कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस। हम कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं और सिर्फ टू हॉरिजेंटल लाइन्स यूज करके हम एनालाइज करने जा रहे हैं। आज हम ये वीडियो एटलीस्ट एक या डेढ़ महीने के बाद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बजट डे। तो बजट डे में टू लाइन्स क्लब का क्या व्यू है, ये टू लाइन्स क्लब के पायरेट्स के साथ शेयर करना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑल्दो बहुत लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, बट हम एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ कल क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है। तो कल का दिन डिफिकल्ट हो सकता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन देखते हैं टू लाइन्स क्लब में क्या लिखा है। तो पहले देखते हैं निफ्टी। तो पहले मैं निफ्टी लोड करूंगा। सबसे पहले हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। इस टाइम फ्रेम पे कुछ व्यूज बने हुए थे, बहुत 2 साल पहले के व्यूज है, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आज शेयर करना जरूरी है। जैसे ये निफ्टी का व्यू है, निफ्टी का ये व्यू हमने जब निफ्टी यहाँ पे था और जब निफ्टी ने इस मोमेंट को क्रॉस किया था, तब हमने बोला था कि निफ्टी यहाँ तक पहुँच जाएगा। निफ्टी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, आप ये चार्ट में देख सकते हो। और टू लाइन्स थ्योरी के हिसाब से इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, और उसके बाद शॉर्ट्स बिल्ड किए गए हैं, रैपिड शॉर्ट्स बिल्ड किए हैं और वो कवर भी कर दिए गए। अगर ऐसा कभी होता है तो इस मोमेंट के बाद हमारा टारगेट ऊपर की तरफ 2x चला जाता है। मतलब ये -1 + 2x बहुत ही फेमस आइटम है, या बहुत ही फेमस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटअप है टू लाइन्स क्लब के हिसाब से, जिसमें -1 के बाद 2x जर्नी प्राइस कर लेती है। यहाँ पे आप देखोगे एक नया बेस निफ्टी ने बनाया हुआ है। ये नया बेस का रीजन क्या हो सकता है, इधर नीचे जाना या ऊपर जाना, लेकिन ये बेस अभी सजेस्ट कर रहा है कि पावर ऊपर की तरफ ही है। ओके तो अभी तक ये पूरा पूरा जो प्राइस एक्शन है वो इसी में, अगर आप देखते हो तो 90% प्राइस एक्शन इसके अंदर ही हुआ है। कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ गया था। ओके लेकिन यहाँ से जो लोअर हाई बनाया था, इसीलिए इसने ये बाहर फॉल्स डाउन मूव निकाला है। ये भी लोअर हाई था, इसीलिए बाहर फॉल्स डाउन मूव निकाला है। बाकी सब प्राइस एक्शन इसके अंदर ही है। तो अभी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, निफ्टी के टारगेट्स ओवर हो चुके हैं, निफ्टी को नया कुछ डिफाइन करना है। तो नई रेंज यहाँ पे डिफाइन हो सकती है, नए टारगेट्स यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फिलहाल इस रेंज में जब तक नए टारगेट्स नहीं बन रहे, तो 800 की रेंज, 800 की प्राइमरी रेंज हम कैलकुलेट करके निफ्टी में देखेंगे। तो निफ्टी का जो व्यू है अभी तक पावर वाइज बुलिश है। वीकली में अगर हम देख रहे हैं इट इज़ नॉट येट करेक्शन, डेली में अगर हम देख रहे हैं इनडिसिजिव मोड पे है। क्योंकि ये इनडिसिजिव मोड का मतलब क्या है, अगर हम ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो किसी भी हाई से अगर निफ्टी 800 पॉइंट्स नीचे मुड़ जाता है, जैसे कि ये है 802, वन मोमेंट, ओके 802, तो इसके नीचे अगर मुड़ जाता है तो निफ्टी में संभावना होती है टोटल 2400 पॉइंट्स नीचे जाने की। लेकिन क्या इसको हम करेक्शन कहेंगे? नहीं, ये करेक्शन नहीं है। हेलो, क्या? तो ये करेक्शन नहीं है। इसके नीचे अगर निफ्टी ने जाना शुरू कर दिया 16500 के नीचे, तो इसको हम करेक्शन कह सकते हैं। रिसेंट हाई से 2400 के नीचे, तो अभी भी करेक्शन के लिए दूर है। कर बजट का दिन है तो हमारे पास क्या स्कोप है, हमारे पास -1x का स्कोप है, और वहां से निफ्टी फिर से एक ऊपर की तरफ का मूव ले सकती है या नहीं, ये हम टेस्ट कर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो प्राइमरी रेंज तोड़ के निफ्टी नीचे आई है, इसके बाद निफ्टी के साथ क्या हुआ, क्या सेकेंडरी रेंज भी
निफ्टी नीचे के टारगेट्स दिखा रही है या निफ्टी ऊपर के टारगेट्स दिखा रही है। तो थोड़ा सा मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम आते हैं, सेम व्यू है। अगर आप देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी रेंज, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी रेंज, और थर्ड प्राइमरी के पहले निफ्टी ने जो यू टर्न लिया है वो ये है, और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया है, और वो ब्रेक डाउन एडिशनल एक सेकेंडरी रेंज का ब्रेक डाउन लिया है। इसके बाद निफ्टी ने ये 2x का टारगेट निफ्टी अचीव करना चाहिए, जो शार्प फॉल से अचीव कर सकती थी। इतने बड़े न्यूज़ के बाद भी अगर ये कवर नहीं कर पा रही है तो ये साइडवेज शिफ्ट हो गया है नीचे। तो अभी हम वेट करेंगे कि निफ्टी किसी भी लो से, जैसे कल अगर किसी भी लो से निफ्टी 267 पॉइंट्स के ऊपर चलना शुरू करती है तो निफ्टी में ये कैपेसिटी आ जाएगी कि यहाँ तक प्राइस को पहुँचाने की। यहाँ पे प्राइस पहुँचने के बाद अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ फिर से सोचेंगे, ऊपर की तरफ का मुंह हम फिर से सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से यहाँ तक का ही मुंह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये लाइन क्रॉस हो रही है तो निफ्टी को स्कोप है ऊपर की तरफ जाने के लिए इधर तक 18,254। कल क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक भी हम पहुँच गए, पता नहीं कल कैसे मूव आ सकता है। निफ्टी के बारे में इतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी साइडवेज मोड में है, तो अगर इतना भी मूव आ गया तो भी ठीक है। लेकिन वो कितने पॉइंट्स का हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट का मूव, 800 तो नहीं हो बोल सकते, 600 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे हमें दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये निफ्टी का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन निफ्टी हमने बोला था जैसे साइडवेज में रहेगा, निफ्टी साइडवेज में ही इंटैक्ट है, और ये साइडवेज रेंज 2400 तक निफ्टी को स्कोप है टोटली ऊपर नीचे करने के लिए, और ये स्लगिश तरीके से नीचे आ रही है फिलहाल। तो स्लगिश तरीके से नीचे आके ट्रेंडिंग ऊपर, स्लगिश नीचे ट्रेंडिंग ऊपर, ऐसे निफ्टी चलता रहेगा, क्योंकि निफ्टी का टारगेट इज ऑलरेडी ओवर। अगर और इसके हम डेप्थ में चले जाएंगे 15 मिनट्स, जहां पे ये मूव बहुत ही डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, सेकेंडरी रेंज आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, और क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज अ शिफ्ट एंड अलोंग विद दैट ये साइडवेज में शिफ्ट डाउन हो रहा है। तो माइनर भी अगर हम देखेंगे 5 मिनट्स में जाके, तो माइनर रेंज को ट्रेड करना बहुत लोगों को डिफिकल्ट फिलहाल जा रहा है। और कल के केस में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओपन होने के बाद ये माइनर रेंज दिया है, अगेन वी आर एट द टॉप ऑफ दैट माइनर रेंज और क्रॉस करके बाहर निकल गए हैं। लेकिन प्रीवियस डेज को अगर हम देखेंगे, जैसे ये पूरा दिन क्या कर रहा है मार्केट पता नहीं, बट कोई तो इसे मैनिपुलेट करने के लिए कंट्रोल कर रहा है, बाइंग करके ऊपर लेके बाद में फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग, और सेम लेवल पे आके मार्केट को छोड़ दिया है। तो किसी को इस लेवल को मेंटेन करना है, इसीलिए ये सब चल रहा है। लेकिन सेकेंडरी मूव में यहाँ पे स्लाइटली बुलिश सिग्नेचर इसने दिखा दिया है, सॉरी माइनर में। सेकेंडरी हम देखेंगे, सेकेंडरी अभी भी बुलिश नहीं है। तो अगर इस रेंज की हम बात करेंगे तो प्राइस को इसके ऊपर आना बहुत जरूरी है, वो है 17,725, तब जाके प्राइस यहां तक पहुंच सकती है इन केस ऑफ निफ्टी। अदरवाइज जैसे हमने बोला, निफ्टी को स्लगिश तरीके से नीचे आने तक इधर तक का तो स्कोप है, और तब तक निफ्टी के ये जो टारगेट्स है ये इंटैक्ट रहेंगे। यहां तक का जो निफ्टी का टारगेट है, इसके ये होवरिंग अराउंड चल रहा है, यहाँ पे नया बेस निफ्टी बना रहा है, और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है ये बजट के बाद, तो फिर हम एक अच्छा खासा मूव निफ्टी में फिर से देख सकते हैं, और वो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। क्या यहाँ से निफ्टी में करेक्शन आ सकता है, तो उसका क्लू मैंने बता दिया,
16,500 के नीचे निफ्टी चलना शुरू हो गया तो ही हम करेक्शन के बारे में सोचेंगे। वो भी करेक्शन कितना बड़ा है यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा साइडवेज मार्केट साइडवेज फेज यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग आपको दिख ही रहा होगा, तो निफ्टी साइडवेज में ही होगी, बहुत टाइम तक इसी रेंज में रहेगी। जैसे हमने कहीं पे तो यहीं पे या यहाँ पे हमने बोला था निफ्टी साइडवेज में रहेगा, और यहाँ पे हमें साइडवेज में अभी तक तो मेंटेन दिख रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी मेरे लिए अभी भी इनकंक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे इधर जो 800 पॉइंट्स का मूव था उसके नीचे निफ्टी, लेकिन ये जो स्लगिश मूव है, ये स्लगिश मूव के अंदर अगर हमें ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है तो जैसे 0.33 का लॉजिक है, 0.33 के लॉजिक से कल मार्केट ओपन हो जाने के बाद वन साइडेड मूव अगर आते हैं, जैसे कि ये वाला एक मूव है, किसी भी लो से प्राइस 0.33 तोड़ रहा है या नहीं, ये आपको देखना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और आपको ट्रेड करना है। जैसे इधर आप देखोगे पॉइंट 33 नीचे की तरफ ब्रेक किया है फ्रॉम एनी लो, 0.33 जब तक ऊपर तोड़ता नहीं है हम इंटैक्ट है, यहाँ पे तोड़ दिया, ट्रेंड ओवर। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे से ऊपर चलना शुरू किया, ऊपर तो गया नहीं, नीचे का ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 0.33 के हिसाब से नीचे का ट्रेंड शुरू हो गया, इधर जाके वो ट्रेंड ब्रेक हो गया, अगेन ऊपर से नीचे 0.33 ब्रेक कर दिया, वापस एक ट्रेंड शुरू हुआ और इधर वो ब्रेक हो गया, अगेन प्राइस नीचे चला गया, यहां से ये तोड़ दिया तो 0.33 ऊपर की तरफ, इधर खत्म हो गया मार्केट। इस दिन मार्केट खुला नीचे चला गया तो यहाँ पे 0.33 तो नीचे का हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे जाने के बाद रिवर्सल ले लिया तो यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। बोलने में ये थोड़ा इजी है, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में होल्ड करना और इसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगेन ऊपर तक चला गया, और जैसे ही यहाँ से ऊपर चला जाता है हम मेजरली रूल्स हम जब देखते हैं तो रूल्स एंट्री और एग्जिट के लिए बनाते, होल्डिंग के लिए बनाते नहीं है। यहाँ पे मेजरली होल्डिंग के लिए रूल बनाना जरूरी है। जैसे इसके ऊपर चला गया 10% आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आइदर आप बुक कर लीजिए या आपने 10 बार बुक किया है तो 11वीं बार आप ऐसे रख सकते हो, 10% के बाद +3 पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। 10% में +3 क्या है, टू लाइंस क्लब के अगर आपने वीडियो देखे तो आप समझ पाओगे। इसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ये पॉइंट ब्रेक कर दिया आप सेल कर सकते हो। कब तक आप सेल कर सकते हो, 10%, और जब तक 0.33 ब्रेक नहीं करता है तब तक। तो 0.33 ये है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं करता है तब तक, वापस नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे का ट्रेंड ट्रेंड चेंज के बाद वापस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ 0.33 ब्रेक नहीं होता है, यू कैन कंटिन्यू। सिमिलरली यहाँ से नीचे ब्रेक हो गया, यू कैन टेक ट्रेड, आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे आ जाइए, ट्रेंड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। किसी भी हाई से अभी 0.33 ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर हो गया यहाँ से आप निकल जाओ, या इधर किसी भी जर्नी में आपको अगर 10% आपके ऑप्शन प्रीमियम का मिल गया तो आप निकल लो। कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट साइडवेज गया तो अपने को प्राइस इसी 0.33 में फंसा हुआ दिखेगा 11 बजे तक, अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। कैसे समझेगा, कल ट्रेंड एक जगह शुरू हो जाएगा और ब्रेक लेके रिवर्स हो जाएगा तो 0.33 आप वहां पे एंटर कर लोगे, और वो एंटर करने के बाद 1.5 या 2 घंटे का टाइम पास हो रहा है ऐसे आपको दिख रहा है, तो पहले प्रीमियम ईटअप किया जाएगा। और ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो जैसे ही एक 0.33 रिवर्सल और विदिन 1% दूसरा 0.33 रिवर्सल या विदिन 0.33 इटसेल्फ अगर इसमें रिवर्सल मिल गया, प्राइस स्टक हो गई, दो रिवर्सल मिल गए 0.33 के, तो बहुत ही अच्छा मूव 2 घंटे बाद आपको मिलेगा। जैसे 11 बजे के बाद लोग बोल रहे हैं, पर हम देखेंगे कि कल हमें डीबी मिल रहा है या नहीं। डीबी मिल रहा है तो सीईपी लेके चुप बैठना है। कब लेना है सीईपी,
डेढ़ या 2 घंटे बाद सीईपी लेना है। तो 9 बजे मार्केट शुरू हो रहा है, 11 बजे का मूव है, शायद 11 बजे ब्रेकआउट दे ना दे। जैसे ही आपको सी दोनों ही रिवर्सल कंफर्म हो जाते हैं, आप 1.5 घंटे का वेट कीजिए और उसके बाद ट्रेड ओपन कीजिए। ओके, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? जैसे बैंक निफ्टी का पहले लॉन्ग टर्म व्यू क्या था देखते हैं। कंप्लीटली साइडवेज मूव, 1x, -1x और 2x अभी भी बाकी है। तो 2x अगर बाकी है तो ये कंप्लीट करना है या नहीं करना है? डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ये 2x कंप्लीट करना पड़ेगा। 48,900 तक अपना मूव है, कब से हमने सोचा है तब तक बैंक निफ्टी में करेक्शन नहीं आएगा हमने बोला था। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद 2 नवंबर का एक मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा चैनल पे, बहुत जगह पे शॉर्ट्स में भी मैंने ये शो किया है। कहाँ पे है वो वीडियो? ये है शायद। देखो लॉन्ग टर्म की लंबी कहानी में शॉर्ट नहीं समझा सकता। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 साल में जाएगा। 3000 से जीरो नहीं होने वाला है, अभी टाइम है बुल बनने का। तो अभी तक तो देखो लॉन्ग टर्म की लंबी कहानी में शॉर्ट करेक्शन नहीं आने वाला है। करेक्शन कब आएगा? जब हम 49,000 पहुंच जाएंगे तब हमें करेक्शन की संभावना है। तो हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे थे तभी हम इधर का प्रेडिक्ट कर रहे थे। आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कट हो रही है या नीचे आ रही है, लेकिन इस बाउंड्री में वापस एंट्री नहीं कर रही है और सस्टेन नहीं कर रही है। कोई तो यहाँ से पुश कर रहा है प्राइस को ऊपर, तो सेम इस बाउंड्री की तरफ भी होना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बजट का डे है, तो बजट के डे में हमें कोई ना कोई इस बाउंड्री के ऊपर पुश करना चाहिए। अगर वो पुश हो गया तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्यों यहाँ पे पहुंच जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ तो हुआ है। अगर तो इस चार्ट को वीकली में हम ऐसे देख रहे हैं तो डेली लेवल पे जाने के बाद या आर्ली लेवल पे जाने के बाद हमें वो पता चलेगा। हम जाते हैं आर्ली लेवल पे, तो ऊपर के 4900 के टारगेट्स अभी तक पेंडिंग है, 49,000 के बैंक निफ्टी के। तो थोड़े से 3x प्रोजेक्शन हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी में ये क्या है भाई, दिस। तो बैंक निफ्टी में वही चार्ट है, दूसरी तरीके से लोड किया है मैंने। तो ये बेस बनाया था, फिर 1x का मूव ले लिया, फिर यहाँ से लेके बेस के लो तक प्राइस ने रिवर्सल लिया है। ये कब होता है? जब स्लगिश तरीके से मूव चला जाता है, शार्प फॉल, उसके बाद वापस स्लगिश और ये शार्प फॉल। तो ये दोनों एक्शन तो हो गया। अगर ऐसा कभी होता है तो यहाँ से मूव जो शुरू होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहां से मूव शुरू हो गया तो ऊपर की तरफ 3 बॉक्सेस प्राइस रन होना जरूरी है फॉर बैंक निफ्टी। और वो टारगेट क्या दिखा रहा है, एक मिनट, 46 इसका छोटा जो प्राइस एक्शन है उसका टारगेट अपने को 46 दिखा रहा है। और इधर आप देखोगे ये अगर हम बेस पूरा कंसिडर करते हैं, ये -1x हो गया। अगर ऐसा है तो और एक बॉक्स +2x के लिए हमें ऊपर पकड़ना पड़ेगा और वो बन जाता है 48 की रेंज में चला जाता है, 48,400 समथिंग। और वो अपने इस टारगेट के साथ अलाइन कर रहा है, 48,600, 48,800, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो शिफ्टिंग में चला जाएगा लेकिन उस टारगेट के साथ अलाइन हो रहा है। तो इसको मैं बोलूँगा वापस जोन में एंट्री, मतलब जोन से नीचे फिर जोन में एंट्री, फिर यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंड हो सकता है। अभी कल के लिए अगर हम मार्केट देखेंगे, कल ऐसा क्या हो सकता है? तो ऑलरेडी हम एक सेकेंडरी रेंज के ऊपर है, 700 पॉइंट्स के ऊपर है। और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो यही वो बेस है, यहाँ पे इसने बाउंस लिया है। तो और भी संभावना बनती है कि ये स्लगिश मूव खत्म होने के बाद
प्राइस ऊपर की तरफ मुड़नी चाहिए, और जितना बेस यहाँ पे बनाया है उसके बाद जो शॉर्ट्स बिल्ड किए हैं, तो अगर ये शॉर्ट्स कवर हो गए इस पॉइंट के ऊपर, अगर हम आ गए, तो प्राइस को इधर जाना असंभव नहीं है। कोई ना कोई प्राइस को इधर लेके जरूर जाएगा बिग प्लेयर्स में से, क्योंकि इतने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उनको निकलना है तो यहाँ के टारगेट्स अचीव करने बहुत जरूरी है। एक बार यहाँ के टारगेट अचीव कर लिए, फिर हम करेक्शन के बारे में सोच सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट फेज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक जर्नी मुझे अभी तो सेफ दिख रही है। क्या मैं नीचे की तरफ नहीं सोच रहा हूँ? यस, नीचे की तरफ भी हम सोच सकते हैं। अगर इसको बेस पकड़ा, ये फॉल है, तो नीचे की तरफ ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया या मार्केट चलना शुरू हो गया, तो हमें और एक बॉक्स नीचे रखना है। बट मैं वो संभावना नहीं पकड़ रहा हूँ फिलहाल। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी रेंज के ऊपर है मार्केट, लेकिन अभी हम जो पिछले कुछ दिनों से सिनारियोज देख रहे हैं, काइका सेकेंडरी और काइका प्राइमरी मार्केट कहीं पे भी कुछ भी मूव ले रहा है, वो क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा फेज बनाया गया है, एडिशनल फेज, यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी तो ओके थी। आप किधर भी आप देखोगे 750 ब्रेक नहीं किया है लोअर साइड। ये ब्रेक होने के बाद ये एडिशनल जो तामझाम चल रहा है, वो मिसमैनेजमेंट या मैनिपुलेशन चल रहा है, इससे बहुत लोगों के पेशेंस किल हो गए, बहुत लोगों का बिलीफ उठ गया मार्केट के स्ट्रक्चर से। तो मैं बोलूंगा कि ये मैनिपुलेशन है, और ये बहुत ही हायर लेवल का मैनिपुलेशन। इसको एक सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा, प्राइस इस बाउंड्री पे आने के बाद उसको जो पुश किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, जो भी डिस्टेंस एक बाउंड्री की तरफ आने के बाद 1000 पॉइंट का मूव जो दिया जा रहा है, उसी की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन वो 1000 पॉइंट का मूव मतलब क्या है? सेकेंडरी के ऊपर के मैनिपुलेशन हो रहे हैं, तो माइनर्स में ज़्यादा कुछ हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेकेंडरी मतलब 750 के मैनिपुलेशन एक दिन में हो रहे हैं, तो इंट्राडे प्लेयर्स तो भूल ही जाइए। तो क्या ये फेज इंट्राडे प्लेयर्स के लिए नहीं है? उसका आंसर वो स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हम बोल सकते हैं। लाइव मार्केट में यहाँ से यहाँ तक ही आना है हमें, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लोगों के बिलीव्स तोड़ने हैं अगर, तो इस लेवल का मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है। लोगों को यहाँ पे डर बहुत आना जरूरी है कि मार्केट गिरेगा ही। इसमें अदानी की न्यूज अगर मार्केट में ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रही है, जितना फॉल है उतना रिकवर हो रहा है, तो कल भी अगर हमें इस बाउंड्री की तरफ खींच के लेके आ गए, तो इस बाउंड्री के नीचे अगर फुटफॉल्स या प्राइस को जाने को दिक्कत है, तो आपको एक सुनहरा मौका मिल सकता है ऊपर की तरफ इतना बड़ा कैच करने के लिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसके नीचे सस्टेन किया तो एक ही बॉक्स है, मतलब यहाँ पे आप चुके तो यू हैव नेक्स्ट चांस, यहाँ से तो ऊपर ही जाना है, लेकिन यहाँ से ही ऊपर जा रहे तो डोंट मिस दिस चांस। और बिंदास इधर के इस बाउंड्री के विसिनिटी में अगर 750 पॉइंट्स तक आ गए, बिंदास का मतलब क्या है? आपके प्रॉफिट को आप यहाँ पे गैम्बल कर सकते हो, क्योंकि कल इवेंट डे है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं है। आज अगर आपने लूज किया है तो कल आपको प्रॉफिट होगा, आज अगर आपका प्रॉफिट है तो कल आप लूज करोगे। आपकी टेक्निक में थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। कल भी 0.33 का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंट्री के लिए, और हो सके तो स्टॉप लॉस मिनिमम मेंटेन करें, जैसे कि 10%, और एक बार ट्रेंड शुरू हो गया तो +3 पे प्राइस छोड़ दीजिए। प्लस एंट्री करने का 10% प्रॉफिट चलना शुरू हो गया तो +3 पे छोड़ के वेट कीजिए। जैसे 20% क्रॉस हो जाएगा तो +3 से मूव करके +10% पे डाल दीजिए स्टॉप लॉस। +30% आपको ऑप्शन प्रीमियम मिल गया तो +20 पे डाल दीजिए। ऐसे करते करते आपको कल के दिन में अच्छा खासा ट्रेड उठाना है। ओके, डोंट पैनिक। 0.33 कल भी हेल्प करने का आपको ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि 11 बजे है इवेंट, और 11 बजे तक प्राइस को कंट्रोल करके रखना अगर इन्होंने ठान लिया, तो 0.33 के रेंज में मार्केट फंसा हुआ आपको मिलेगा। व्हिचएवर साइड इट ब्रेक्स, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो जैसे ही 2.33 के रिवर्सल मिल रहे हैं, 0.33 के रिवर्सल का मतलब क्या 5 मिनट्स में मैं बताता हूँ। अगर प्राइस किसी रेंज में अटकी है, जैसे कि अभी करंट पीजेड क्या हमारा चल रहा है, लेट मी शो यू करंट पीजेड।
दीजिए। ये फॉल था, ये हमारा एक करंट पीजेड है और इसका 1x मूव नीचे आके प्राइस वापस 1x की तरफ मुड़ चुकी है। तो यहाँ पे टाइम पास किया, प्राइस निकल गई, प्राइस शार्प फॉल देके 1x। तो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेंड देखते हो तो आपको यहाँ पे 0.33 जो हमारा लॉजिक है, यहाँ से 0.33 ब्रेक किया है क्या? यस, यहाँ से किया है। तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और अंदर की तरफ है, तो कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा कि 10% के स्टॉप लॉस के बाद आपको वेट करना है। अभी हम बाहर की तरफ, ये ट्रेंडिंग हो जाने के बाद ये ब्रेक नहीं किया है तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस मोमेंट में पहुँचते पहुँचते इसने ब्रेक कर दिया है तो शायद आपका छोटा सा प्रॉफिट हुआ रहेगा या छोटा सा लॉस हुआ रहेगा। इसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई, मतलब इधर से आप पी अगर बाय करते हो, पी बाय करते हो तो यहां तक तो आपको 10% मिल जाएंगे। यहां से वापस सी बाय करते हो तो यहां तक आपको 10% मिल जाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है 0.33 ट्रेड करना। ओनली थिंग इज जब आपके अगेंस्ट डिसीजन चला जाता है तो आपको वो बुक करना जरूरी है। जैसे आज मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने शायद कॉल बाय किया था, आपको ट्रेड आपको मैं पोस्ट कर दूंगा। कॉल बाय किया था और वो कॉल यहाँ पे आने तक मेरे 10% लेके गया, ऑलमोस्ट 33,000 का लॉस हुआ है क्योंकि 250 के लॉट से मैं फिलहाल कर रहा हूँ। तो इस मोमेंट पे मुझे भी पोजिशन काटनी पड़ी और री एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी, वो भी मुझे इस कैंडल की वजह से काटनी पड़ी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ये चला गया बट आई हैड, मुझे वो मूव मिस करना पड़ा तो मैं वो ट्रेड नहीं ले पाया। तो मेरा जो प्रॉफिट मैंने बनाया था 3 वीक का, उसमें से 1 वीक मेरा चला गया। इसका मतलब मुझे पैनिक होना है क्या? नहीं। आज जैसे आज मेरा लॉस हुआ है तो कल मेरा प्रॉफिट हो सकता है। किस हिसाब से हो सकता है? क्योंकि इवेंट डे है। इवेंट डे में ऐसा जरूर होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी और भी बढ़िया मिल सकती है अगर आपने पेशेंस नहीं खोया तो। तो ये सिंपल ही होगा, कल भी सिंपल होगा। कल ट्रेंडिंग अगर मिला तो सोने पे सुहागा हो सकता है। पैनिक मत होना, ट्रेड को समझ के करना। 0.33 का लॉजिक डेफिनेटली हेल्प करेगा। पीजेड अगर नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो ये हम इस ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे जगह पे फंसे हैं मार्केट में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बाउंड्रीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप देखोगे कैसे पुश करके यहाँ पे नीचे ले आ जाता है, यहाँ पे भी पुश कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, तो इस बाउंड्री के नीचे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ऊपर पुश करना जरूरी है। और वैसे ही हमें यहाँ पे पुश किया जा रहा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप कुछ भी चीज देखिए, दोनों में वही चल रहा है और ये मैन्युपुलेशन है, पूरा मैन्युपुलेटेड रेंज है। यहाँ पे उनका मोटिव ये दिख रहा है कि सिर्फ रिटेलर्स को डराना है। यहाँ पे अगर क्लियर मोटिव होता तो ये इतना सारा साइडवेज एक्शन के बाद प्राइस ने सटासट नीचे जाना जरूरी है, इतना ऊपर आने की जरूरत नहीं है प्राइस में। फिर भी प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर पहुंच गई है तो फिलहाल हम करंट ट्रेंड देखेंगे सेकेंडरी में कि 750 लो से तोड़ा है तो ऊपर की तरफ का सोचेंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन 2160 नीचे की तरफ तोड़ा है तो डेफिनेटली इंटेंशन शॉर्ट्स बनाने का है। ओके, और शॉर्ट्स बनाने के इंटेंशन में किसी ने ब्रेक कर दिया है तो शॉर्ट्स को कवर करने का इंटेंशन आ गया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो कल हम देखते हैं अगर शॉर्ट्स कवर होके 42,000 के ऊपर एक दो दिन में चले गए, 42,000 ये जो रेंज दिख रहा है 42,800-9,000 इसके ऊपर अगर चला गया तो फिर हम जैसे मैंने बताया हम ऊपर की तरफ भाग सकते हैं, इधर की तरफ भाग सकते हैं। और कहाँ पे गई वो रेंज? ओके, मैंने शायद कुछ तो गड़बड़ कर दी। ये रेंज है, ठीक है। तो
इसके ऊपर अगर हम भाग रहे तो इसको pz पकड़िए, इसको 1x पकड़िए, और जैसे मैंने यहाँ पे बोला what we can expect, one box, ये ड्यूरेशन के लिए टाइम लगेगा, आप पीछे का जर्नी मैप कीजिए कितने ड्यूरेशन में अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, ऑलमोस्ट 3 महीने में वो वॉक कर पाया है ऊपर की तरफ, राइट तो ऐसे ही अगर वॉक कर रहा है ऊपर की तरफ तो ज़्यादा ड्यूरेशन लग सकता है 48,400 पहुँचने के लिए। तो अभी भी मैं ऊपर का ही सोच रहा हूँ, नीचे का सोच रहा, लेकिन लिमिटेड वन बॉक्स नीचे का है और वो ब्लैक बाउंड्री के नीचे सोचूंगा। तो कोई भी तरफ मार्केट घूमने दो, आपको 0.33 का लॉजिक अगर आपने कल वाइसली अप्लाई किया तो आपका डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बन के अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स अपसाइड, व्हाट इज देयर इन साइडवेज मूव, व्हाई purposely the price is taken towards minus 1x and it is the FIs are trying to cover this price, we don't know yet purpose but kal ye clear ho jayega, 42,000 cross kiya to definitely clear ho jayega, iske niche gaya to 1x ke baad hum fir se climb karne ke liye efforts dal sakte hain, to dekhte hain kal kya hota hai। So thank you pirates, ye mera view hai, इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर आपको है आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप में पोस्ट कीजिए। इंग्लिश वीडियो में शायद बना नहीं पाऊंगा, उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो हिंदी में वीडियो बना है होपफुली चार्ट देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट इन इंग्लिश व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे इज द साइडवेज मूव इज देयर इन बैंक निफ्टी, सो देयर इज शार्प फॉल एंड आफ्टर द शार्प फॉल इज इफ द शॉर्ट्स आर कवर्ड then price has capacity to reach to this level. Similarly, in Nifty, it is shifting down. Like in Bank Nifty, it is minus 1x, but Nifty, it is shifting down. If the upper boundary is crossed in Nifty, it is shifting down. So if upper boundary is crossed, then we can see some good 1x or 2x moves, and currently we are in secondary, so first price has to cross this secondary move and then price can at least reach to this level, otherwise if price is going below this we can expect one more shift from this high, or this is already covered, so from this high we can expect one more shift which will take price to 16,900 or 17,000 something approximately, but I am still thinking of upside, so let's see how it goes. So aaj ke session, aaj ke analysis mein itna hi, to I hope maine aapko confuse nahi kiya aur kuch additional information diya hai, don't forget our long term targets, aur agar kuch bhi plan ho raha hai price ke sath to wo targets match karne ke liye ho raha hai, तो सतर्क रहिए और चार्ट से पूरी बातें कीजिए, और चार्ट आपको टाइमली ये चीज़ बताते रहेगा माइनर जोन से लेके सेकेंडरी से प्राइमरी जोन तक, डोंट लूज योर बिलीफ ऑन चार्ट, समटाइम्स ऐसे फेजेस आ जाते हैं जहाँ पे हम बिलीव करना छोड़ देते हैं चार्ट को, और स्टिल आई बिलीव इन दिस टू लाइन्स थियरी, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी 49,000 जाने तक करेक्शन नहीं आएगा, और अगर ये हुआ तो अपना बिलीफ और थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। थैंक यू पायरेट्स, सो आज के लिए मैं एनालिसिस बंद कर रहा हूँ, और पैरेलली आप चेक कीजिए चार्ट इंक जो स्क्रीनर है अपना, वहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिस्ट होंगे, उस स्टॉक्स में FIs ने फिर से अपना एक्शन शुरू किया, कुछ स्टॉक्स जाते जाते मैं बोलता हूँ, जब निफ्टी 800 पॉइंट से ऊपर चली आ जाएगी आप फिर से इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे है MRF, ITC, रेमंड, ग्रिंडवेल, HAL, BDL, राइट्स और रत्नमणि, इतने स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, हमें अभी इन्वेस्ट करना है क्या? आंसर है नहीं। इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, एवरेज करना है क्या? आंसर इज नो। एवरेज कब करना है? लो से,
लो से जब निफ्टी 800 पॉइंट कवर करके नीचे से 800 मतलब इसके ऊपर चली जाएगी 18200, उसके बाद आप एवरेज करो या नई परचेस करो, यू आर सेफ। लेकिन जब तक नहीं होता है लाइक दिस, इसके बाद आप कर सकते हो, तो आपके पास 2x का स्कोप बन जाता है अगर अभी भी साइडवेज मार्केट नहीं है तो। जैसे यहाँ से 800 पॉइंट्स के ऊपर एक अच्छा खासा स्कोप बना है वैसे, ठीक है। तो क्लोजिंग दिस वीडियो, बहुत ही लंबा हुआ है, शायद आधा घंटा या 40 मिनट्स का हुआ रहेगा, बट ध्यान से सुनना। थैंक यू पायरेट्स, लेट्स मीट इन टुमोरोज़ लाइव मार्केट।